मानने वाले मान रहे हैं, लेकिन अभी कम श्रेणी में आ रहे हैं, क्योंकि आडंबर जो है ना सबको 33,000 देवी देवताओं के चक्कर वो नहीं छोड़ रहा है। आज 27 अक्टूबर के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का ये पोस्टर आप देख रहे हैं, जिस पर लिखा है विश्व बौद्ध महासम्मेलन दिनांक 27 अक्टूबर, स्थान सरदार पटेल संस्थान आलोपी बाग प्रयागराज। आगमन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, समिति स्वागत कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो मुख्य वक्ता के रूप में आज यहाँ पर अपनी शिरकत देंगे। वंदे सुमित रतन जी का फोटो लगा है जो कि कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं और संयोजक भी हैं, साथ में और तमाम साथियों के फोटो यहाँ पर लगे हैं। तो ये बड़ा ही ऐतिहासिक वो मंच आज का होने वाला है जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बौद्ध विरासत को जन जन तक पहुँचाने के लिए जो प्रयास है उसमें एक कदम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मेरे पीछे ये जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के अंदर सरदार पटेल संस्थान आलोपी बाग में स्थित है, जहाँ पर आज 27 अक्टूबर को एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय विश्व बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का जो सार है वो सिर्फ इतना सा है कि भारत को बुद्ध में कैसे बनाया जाए। आइए भाऊजी बात कर लें थोड़ी सी, भारत को बुद्ध में कैसे बनाया जाए उस पर चर्चा चल रही है, उसी को लेकर आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी में आए हैं तो इधर देखकर बताइए, परिचय दीजिए पहले अपना। राम जोर बौद्ध। कैसे होगा भारत बुद्ध में? भारत में होगा जब बुद्ध के धर्म को सब लोग मानेंगे, उस पर चलेंगे, तब होगा। ऐसा लग रहा है कि मानने नहीं मान रहे? नहीं, मानने वाले मान रहे हैं, लेकिन अभी कम श्रेणी में आ रहे हैं, क्योंकि आडंबर जो है ना सबको 33,000 देवी देवताओं के चक्कर वो नहीं छोड़ रहा है। तो जो बुद्ध के बारे में बताएंगे तभी तो छोड़ेगा वो। तो हम लोग बुद्ध के बारे में क्यों नहीं बताएंगे? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए क्या कहना चाहते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म जो है, हाँ, भगवान बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी वन में हुआ था जी, और वो वहाँ से चल करके जब 32 साल की उम्र हो गई, उनकी शादी हो गई। चलिए ये तो इतिहास सब जानते हैं, वो बात बताइए जो बुद्ध के बारे में कोई नहीं जानता हो। अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा भैया, कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा वक्तव्य जो बुद्ध के बारे में। मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ भैया, हाँ, जो आप बता रहे हैं। नहीं, 33 करोड़ देवी देवताओं को आपने तुरंत टारगेट किया है, बुद्ध के बारे में पता नहीं और 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में आपको सब पता है? क्यों नहीं पता है? हमको बुद्ध के बारे में पूरा पता है, लेकिन आप कह रहे हैं जो कोई नहीं जानता है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बातें होंगी जो कोई नहीं जानता होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम बुद्ध को जितना जानते हैं जी उतना बताएंगे। बुद्ध को जानने वाले बहुत से नहीं, अभी बुद्ध के इतिहास जान ही नहीं पाए। बुद्ध के इतिहास पर अच्छे, चलिए, बुद्ध एंड हिज धम्मा एक किताब लिखी गई है, बाबा साहब ने बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसकी उसकी कुछ कहानियां बता दीजिए। नहीं, अब हम बताएंगे नहीं, हम चल रहे हैं कार्यक्रम। ये वो लोग हैं जो भारत को बुद्ध में बनाना चाहते हैं, लेकिन खुद के पास बुद्ध का ज्ञान नहीं है। 33 करोड़ देवी देवताओं को गाली इनसे दिलवा लो, लेकिन बुद्ध के बारे में जब पूछा जाता है तो इनके पास नगण्य जो ज्ञान है वो होता है। अभी कह दिया जाए कि आदमी की गर्दन पर हाथी का गर्दन नहीं लगेगा तो आधा समाज नाराज तक के दरियाए देना, लेकिन है क्या कि 100% सत्य ही है कि आदमी की गर्दन पर हाथी का गर्दन नहीं लग सकता, तो इसका मतलब है कि गणेश यहाँ पैदा नहीं है। अगर गणेश पैदा हुए हमने मान लिया तो फिर गणेश को गोबर में ठेल दिए, फिर हमें वो भी मानना पड़ा। तो समय समय से हमारे दिमाग को मनवादी संस्कृतियों ने हाई चेक करके शरीर तो हमारी रही, लेकिन दिमाग हमारा कभी लोगों ने बंद नहीं दिया। तो कम समय में चाहूंगा कि अधिक से अधिक विचारधाराएं पूरी आपके बीच में प्रस्तुत कर सकूं। यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, जितनी भी माध्यम है, संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को आपके बीच में बराबर भेजने का प्रयास कर रहा हूं कि अब अगर नहीं जान पाए तो अब हम फिर कभी नहीं जान पाएंगे। अगर मनवादी मानसिकता से निकल करके हम धर्म की शरण में नहीं गए, हम धर्म को नहीं पहचाने, तो फिर अब हमारे सामने कोई चारा भी नहीं है कि अब हम आने वाले जनरेशन को बचा पाएंगे। तो सबसे पहले कुछ कहने से पहले पूरी दुनिया में शांति और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए
नारियों को सम्मान, भारत को संविधान, गांधी को प्राणदान, कस्तूरबा को सिंदूर दान देने वाले और हम सोचतों को स्वाभिमान का जीवन देने वाले विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करता हूं। 6,500 जातियों में बिखरा एक बहुजन समाज को बहुसंख्यक समाज बना करके बहुजन समाज का नाम देने वाले महामना मान्यवर कांशी राम साहब को नमन करते हुए संत गुरु रैदास, संत कबीर, संत गाडगे, संत तुकाराम जी, राष्ट्रमाता सावित्री बाई फुले, राष्ट्रमाता फातिमा शेख, राष्ट्रमाता राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले, जितने भी हमारे बहुजन समाज में संत गुरु महापुरुष पैदा हुए, मैं सभी लोगों को कोट कोट नमन करते हुए उपस्थित हमारे बीच में परम सम्मानित आदरणीय आप श्री राकेश कुमार आजाद जी, धर्म योद्धा, आपकी ओर से गुलाब पुष्प के साथ, पंचशील के साथ धर्म दान दिया जाता है। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूं। तो चलते हैं कुछ भजन के माध्यम से, स्वर संगीत के माध्यम से अगर हम अपनी बात रखते हैं आपके बीच में, तो मैं जानता हूं कि बतियाने से अच्छी बात वो ही समझ में आए। ऐसा है कि नाम बताने से अच्छा हम काम पर भरोसा करते हैं। हमने आज तक कभी नहीं कहा कि मैं फलाने हूं, फलाने जगह का हूं, मैं मिशन गायक हूं, मैं विचारक हूं। बताने से काम नहीं चलता है, काम से लोग खुद समझ जाते हैं। और मैं जानता हूं कि आज इस प्रयागराज की पावन धरती पर फतेहपुर से, कानपुर से, हड़िया से, कौशाम्बी से, जौनपुर से, मैंने पूर्वांचल के कोने से जितना भी लोग आएंगे उसमें मैं जानता हूं कि 90% लोग देखे नहीं होंगे लेकिन जानते सारे लोग, क्योंकि मैं बड़ा शुद्ध विचारधारा का व्यक्ति हूं, मोटी बुद्धि का हूं, मैं ज्यादा अड़ बड़ जानता नहीं, जो सीधा जानता हूं वही बोलता हूं। इसी पर काफी लोग नाराज भी होते हैं कि आप कोई भी बात डायरेक्ट कहते हो, हमका इनडायरेक्ट में समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आज तक हमारा समाज बेचारा समझ ही नहीं पाया। हम समाज को शिक्षा देते हैं और हम खुद उसी में पड़े हुए हैं, तो हमें समाज को सुधारने से पहले खुद को सुधारना पड़ेगा। तो हम तो लगभग अपना सुधार कर चुके हैं, अब पूर्ण रूप से कर चुके हैं, और किसी में अब हैसियत भी नहीं है कि हमारे सामने एक घंटा वो बात भी कर पाए। सारी चीज आपके बीच में अभी मैं रख रहा हूं, इसका कोई दुनिया में कोर्स नहीं है, इसका सिर्फ एक कोर्स है कि तथागत बुद्ध का स्मरण कर लीजिए, आपसे बड़ा ज्ञानी धरती पर कोई होगा ही नहीं। अगर भारत को बचाना है, पूरे बहुजन समाज को बचाना है, तो धर्म की परिभाषा सबको जानना पड़ेगा। और मैं इसका श्रेय बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को देता हूं कि जिस धर्म को इस देश से आर्यों ने 2,500 साल पहले खत्म किया, बाबा साहब अम्बेडकर इतनी बड़े डिग्री धारक, इतनी महान विद्वान होते हुए उन्होंने पूरे जीवन के अध्ययन के उपरांत उन्होंने जाना कि भारत को जातियों से बचाने के लिए, इस जात की खाई से भारत को बाहर निकाल करके इस भारतवासियों को एक करने के लिए भारत में धर्म को लाना जरूरी है, क्योंकि धर्म की परिभाषा एक ऐसी परिभाषा है कि जो जात और धर्म से बाहर निकाल करके लोगों की मानवतावाद में जोड़ करके मानव बनाने का प्रयास करने का काम सिर्फ धर्म में ही होता है। तो बात गीत के माध्यम से भी कुछ होगी, कुछ ऐसे भी बताएंगे, और भी हमारे बीच में जो ये कलाकार आए हैं उनको भी सुनवाएंगे। धम्मं शरणं गच्छामि
अब देखिए हमारी भाषा में और उनकी भाषा में अंतर कितना है। हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छाम का मतलब हमें ज्ञान की शरण में चलना चाहिए, हमें बुद्धि की शरण में चलना चाहिए। और वो क्या कहते हैं, आदौ महाशय चार चापं नमामं ब्राह्मं रघुवंशनाथं। किसी के समझ में नहीं बैठता कि क्या पर खाली हाथ जोड़ के सब सुना। एक एक बात को आपके बीच में बताऊंगा कि बुद्ध विचारधारा को भारत में क्यों ध्वस्त करके आज भी भारत के लोगों को बुद्ध को जानने नहीं दिया गया। भारत का जन्म इसे उत्तर प्रदेश बिहार नेपाल के सेंटर में हुआ। तीन चार बार वहां भी लोगों ने बुलाया कार्यक्रम में, वहां के लोग भी अब पूछ रहे बुद्ध से। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ। बुद्ध ने ज्ञान सार्वजनिक थी बनारस के सारनाथ में किया, पर निर्माण का उत्तर प्रदेश देवरिया के कुशीनगर में हुआ। बुद्ध ने इतना ही सफर किया, लेकिन बुद्ध की विचारधारा पूरी दुनिया के 192 देशों में 58 देशों ने बुद्ध को अपना भगवान बना लिया। पूरी दुनिया में 180 करोड़ बुद्ध के अनुयायी हो गए, लेकिन भारत के लोग अब तक बुद्ध को क्यों नहीं जान पाए। भारत के लोगों को बुद्धू बना दिया। सबको बाल प्रीति जय हो बाबा भीम जी, अजब तेरा उपकार आपके आने से हिस्सा जगदम। दुनिया में जो कुछ है मात पिता हो हम, माँ नहीं होती तो हम नहीं होते, पिता नहीं होते तो हमारी शिक्षा नहीं होती। लेकिन हमें शिक्षा की देवी सरस्वती को बता दिया गया, जिसका कहीं कोई एविडेंस नहीं। माता सावित्री बाई फूले के त्याग और बलिदान को दबाने के लिए सरस्वती को खड़ा किया गया, और हमें अपनी माँ की ममता से दूर रख करके आठ हाथ वाली मैया को लाया गया कि सब मैया के लिए 9 दिन भूखा रहोगे, ये मैया तेरी कल्याण करेगी। माँ अपने बच्चों को भूखा रखती है? कौन माँ है जो कहती है 9 दिन भूखे रहो तब तुम्हें आशीर्वाद दूंगी? यही आदमी उस माँ को बनाता है, और यही आदमी जाके वही माई के पैर पर माथा पटक पटक माई की मूर्ति से मुक्ति मांगता है। जो माई जन्म दे रहे हो वो माई हुक्का है तमाकू भी ना तर कहा है संस्कृति हमारी। तो इसलिए कह रहा हूं कि देवता का शाब्दिक अर्थ होता है देने वाले को देवता कहते हैं और लेने वाले को भिखमंगा। देश में देवता हैं 33 करोड़, कभी पान फूल बतासा, कभी नरियल चुनरी, कभी खस्सी भेड़ा, कभी मुर्गा मलाई, बराबर भेजते रहे।
दिए क्या, अब तक कोई प्रमाण इनका नहीं मिला और आज भी समाज इनके पीछे परेशान है। देने वाला अगर कोई देवता धरातल पर है तो देवता है जिसे हम बड़ी शिद्दत से अपने पिता के रूप में स्वीकार करते, जो हमारा बाप है। पेट काट काट करके पसीना बहा के करोड़ों की संपत्ति बना करके मरने से पहले अपने बेटे को उस संपत्ति से वसीयत करके तब धरती को अलविदा करता है। और माँ अपने भूखी रहती है लेकिन कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती। रियलिटी ये है। तो हम चलते हैं, हमारी दो लाइन की भजन है। तीसरा देने वाला अगर कोई देवता हमें पैदा हुआ तो उस देवता का नाम है विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर। चौथा कोई देवता धरातल पर पैदा ही नहीं हो पाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने 2500 साल पहले खत्म धाम को हमें सौंपा। शिक्षा का अधिकार, सम्मान का अधिकार, स्वाभिमान का अधिकार, सब कुछ को देकर के अपने कुछ नहीं लिए, बदले में चार चार बच्चों को भी उन्होंने बड़ी चढ़ा दिया। लेकिन आज तक हम जय भीम कहे की हैसियत पैदा नहीं कर पाए। उनके बनाई हुई सीट पर हम MPA, डॉक्टर, इंजीनियर बन गए लेकिन जय भीम कहने का तरीका तक नहीं सीख पाए। तो चलते हैं, हमारी भजन है दो लाइन की। अब यही के जवान मन करी भजन अपन मनिहार होगा। लाइन हमारी कह रही है किसी
कलम में रेस नहीं है लिखने के लिए पढ़ाई को। कल्पना के आधार पर भी अगर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कोई कुछ लिखना चाहेगा तो कल्पना के आधार पर भी नहीं लिख पाएगा, और न ही दुनिया में किसी कंपनी ने ऐसी कलम पैदा किया कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग और बलिदान से ऊपर उठ करके चार शब्द लिख सके। तो लाइन कह रही है हमारी, किसी कलम में कितनी डिग्री थी 32 कब थी कि जब हमें विद्यालय में पैर रखने की अनुमति नहीं थी, उस समय उन्होंने 32 डिग्री हासिल किया। 12 भाषाओं की प्रखर ज्ञाता बने सिर्फ हमारे लिए। पूरी डिग्री और पूरी विद्वता को बलि चढ़ा दिया उन्होंने हमारे ऊपर, तब हमें कुर्सी नसीब हुई, तब हमें थौर नसीब हुआ, तब हम MP MLA बनना शुरू किए। लेकिन दुख होता है तब कि जय भीम की जगह जब लोग जय राम कहते हैं। और मैं बार बार कहता हूं, जिस दिन संपूर्ण भारत और भारत के 85 मूल निवासी समाज में 52% OBC समाज जिसने एक तरफा जय भीम कहना शुरू किया, उस दिन फिर भारत बदलने में कोई देर नहीं होगी और न ही भारत को फिर कोई अंबेडकरवाद बनने से रोक पाएगा। ज्ञान की गरिमा फैली विमल कुमार उर्फ बबलू ठेकेदार बदैया नैनी इलाहाबाद प्रयागराज की ओर से 100 रुपए से धमदान बाबा साहब अम्बेडकर के इस पावन भजन पर सम्मान किया जा रहा है। सादर जय भीम नमो उत्थान करते हुए साधुवाद करता हूँ कि इसकी लाइन हमारी दूसरी संकेत कर रही है। परम सम्मानित आदरणीय आप श्री मंजू मौर्या जी पूर्व सभासद, आप बहन जी की ओर से 500 रुपए से सादर सम्मान बाबा साहब अम्बेडकर जी पावन भजन पर सम्मान किया जाता है। चरणों में नमन करता हूँ, उपस्थित जयमानस को जय भीम करता हूँ। ये ज्ञान का वो सागर है, ज्ञान का वो महासागर है कि इस सागर में आज जो व्यक्ति दिल और दिमाग के साथ
बढ़िया से मेरे यहाँ की बात को सुना तो आज उसके जीवन में आज से ही एक बड़ा परिवर्तन शुरू होगा। संकेत हमारी दूसरी लाइन कर रही है, क्या है? जन्म जन्मांतर तक अगर हम आपका गुणगान करते रहे तो हम कभी अपने जीवन में आपका ऋण नहीं अदा कर पाएंगे। पूरी डिग्री आपने सोचों पर इस देश के लोगों पर समर्पित कर दिया, लेकिन समाज आज तक आपको पढ़ नहीं पाया। शोषित पीड़ित निर्बल जन की लड़ते रहे लड़ाई को, अपमान भी झेले, भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, लेकिन अपने पूरे जीवन की लड़ाई को जिस शिद्दत से बाबा साहब अम्बेडकर लड़ते थे कि मैं भूखा रहूं लेकिन आने वाला जनरेशन मेरा भूखा न रहेगा। परम आदरणीय आप श्री शिव नारायण कुशवाहा राजापुर की ओर से 100 रुपए से धमदान बाबा साहब अम्बेडकर के पावन भजन पर देते हैं, सादर चरण स्पर्श करते हुए जय भीम करता हूं।